और अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां आधी रात को जमकर बवाल हुआ। विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल, फायरिंग, तोड़फोड़ और आगजनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आधी रात को छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों के दोनों गुटों में हिंसक झड़प हुई। इसके बाद छात्रों ने प्रॉक्टर के दफ्तर में आग लगा दी, फिर वीसी लॉज के पास खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। छात्रों का झगड़ा यहीं पर नहीं थमा। इसके बाद छात्रों के दोनों गुटों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें दो छात्रों को गोली लगी। एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। छात्रों का बवाल रात के 2 बजे तक जारी रहा। छात्रों को शांत कराने पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने किसी तरह हंगामा कर रहे छात्रों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि किसी पुराने विवाद को लेकर मोहसिन नाम के छात्र की पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। कैंपस में अभी भी तनाव का माहौल है। शांति के लिए विश्वविद्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आरएएफ के जवान को तैनात किया गया है। महेश, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।